आजमगढ़ जिला के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंचा डी सलेमपुर दलित बस्ती में सुरेंद्र कुमार की जमीन को शासन से लेकर प्रशासन तक के आदेश के बावजूद भी लेखपाल द्वारा मानने को तैयार नहीं है और ऊंचा डी के लेखपाल अमीश गोस्वामी व ग्राम सभा के ग्राम प्रधान रमाकांत गोस्वामी के साथ दलितों के जमीन को कब्जा की जा रही और जब SDM सगरी के आदेश को नहीं मान रहे हैं, दलित सुरेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जबकि दलित बस्ती के घर के चारों ओर से आबादी व बंजर की जमीन है और गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा ही दलित बस्ती के चारों तरफ से चहारदीवारी मार दी गई है, जिसमें कि दलित बस्ती के पानी को रोक दिए गए हैं और ग्राम प्रधान के द्वारा जितनी भी सरकारी जमीन है अन्य लोगों को कब्जा दिलाया गया है, जबकि दलित बस्ती के लोगों को नहीं पानी निकासी की कोई व्यवस्था है और ना ही घर से बाहर निकलने की कोई व्यवस्था है और ग्राम प्रधान के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दलितों को मिलती है, जिसकी सूचना शासन और प्रशासन को दी गई है, जिसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और आज भी दलित बस्ती के लोग भयभीत है इस बात से और कभी भी इन लोगों के द्वारा दलितों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अच्छा, उसके बाद आपने सुने हम कि आप पैमाइश करने के लिए आया था यहाँ पे। पैमाइश करने के लिए आया था, लेकिन जो है कि वो फर्जी पैमाइश करके जो है कि उनका जो है कि फर्जी पथलेसिप का वो करके गया है। आपके साथ अन्याय कर रहा है लेखपाल? जी सर, अन्याय हो रहा है और कोई इंसाफ कोई वो नहीं हो रहा है, जो भी है उसकी तरफ से सारा बोला जा रहा है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग ऐसे परेशान है, बताइए हम कहाँ से पैसा कहाँ से क्या करेंगे, जो ऐसे लोग करेंगे तो गरीब की कौन सुनेगा। इसकी शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को दिया है? सर कई बार करना है कि इस चीज को पता चला है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। जब जब लिया हुआ है सारे पेपर इसमें मौजूद हैं। जी सारे पेपर इसमें मौजूद हैं, ये राजस्व विभाग के आदेश है। जी, जी ये मैंने नेट से निकाला है। जी जिसको मानने के लिए राजी नहीं है वो कहता है ये फर्जी नपा हुआ है, ये उसका जो है कि मेरा खेत का नक्शा है, ये मेरा खेत का नक्शा है, यानी कि ये जमीन आपकी लेखपाल और प्रधान के द्वारा कब्जा की जा रही है। जी और कब्जा नहीं करने के लिए मतलब आपको धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, बदमाश लेके आता है और जो है कि कहता है कि जो नहीं अगर छोड़ोगे जमीन तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। हम जो है सर कहां जाएंगे, जब से जोतने जाते हैं तो इसके सामने के दौड़ाते हैं, भाग जाते हैं, चीज को कौन सुनेगा हमारी। अच्छा, इस गांव में जो बाउंड्री मारी गई है आप लोगों को जो पानी निकलने का समस्या है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए क्या मतलब आपने शासन से शिकायत किया है? सर कई बार शिकायत किया है, लेकिन कोई जो है कि कोई उसका सुनवाई निकला ही नहीं, जो है कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। इन लोगों के पास पैसा है, पैसा लोग खिला करके पुलिस वाले को हर जगह खिला करके जो है कि भगा देते हैं और नहीं तो पुलिस वाले हमें ही धमकाते हैं, पैसा लेकर के कहते हैं कि नहीं वो उनको जाने दो, उनको जाने दो, आपने साले बंद करके बड़े मारेंगे आपको। आपने नहीं कहा मतलब कागज तो हमारे नाम से, तो उनका कैसे हो गया ये? इसका जो है कि ये आबादी, सरकार ने आबादी छोड़ी थी हमारे लिए पानी निकलने के लिए, सब कुछ करने के लिए, भैया अपना खर्चा बहाओ, लेकिन जब बारिश पड़ती है, अभी बाउंड्री मार दिए तो जो जब बारिश पड़ती है तो गांव पूरा डूबने के कगार पे आ जाता है। ये बाउंड्री किसके द्वारा मारी गई है? ये प्रधान के द्वारा मारी गई है, ये जस खां के बच्चे लोग मारे हैं। जी जिसका जो है कि चक है। आइए आप लोग इसी कड़ी में कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए जानते हैं कि आप लोग क्या समस्या है। आइए आइए सामने आइए, हमें आइए परेशानी हो ही नहीं है, पानी नाली रास्ता की समस्या, नाली रास्ता तकलीफ, हम लोग पानी जाने के ना तकलीफ है, रास्ता पारा खोते शादी दिया बच्चों अच्छे लड़कियां शादी करने के लिए गड्ढा घर में गड्ढा ताला पानी रोकल है गड्ढा खोद के। ये तो हम अभी सर्वे किए हैं, देखे हैं कि जो आप लोगों के दरवाजे तक ले सरदवाली मारी गई है प्रधान के द्वारा और पानी का निकास नहीं है, क्या इसका शिकायत नहीं आप लोगों ने किया कि हमको पानी की निकास नहीं दे रहे हैं? तो लड़की की शादी रहा कहीं थोड़ा जगह छोड़ दा तो नहीं छोड़ना कहीं जा खाना डाल। तो आपने प्रधान से नहीं बोला कि मतलब कम से कम सोखता तो हमें दे दो पानी निकासी कर लिए? सर जमीन नहीं है, देखल तो गए रोडे भर कहाँ। हाँ तो देख रहे हैं, मगर आए दिन BJP सरकार में BJP के कुछ अधिकारियों द्वारा जो दलित के नाम से जो आबादी और बंजर जो छोड़ी गई है उसके लेकर ग्राम प्रधान ने अन्य लोगों के साथ जो दलितों के घर तक चहारदीवारी का मराने का काम किया है, आए दिन
हर बच्चे उस नाली में गिरते हैं, दरवाजे पर पानी निकलने का सा रास्ता नहीं है, जो कि हर समस्या से जूझ रहे दलित बस्ती के लोग। यहाँ पर तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिदिन गिरते हैं, चोटिल होते हैं, और प्रधान